बार सोनीपत 24 एक बार फिर आप लोगों के बीच है और इस बार हम बात करेंगे आपकी हेल्थ। और हमारी टीम पहुंची है सोनीपत के निदान हॉस्पिटल में और डॉक्टर रमेश बत्रा और अंकुर बत्रा से जानेंगे जो हार्ट पेशेंट हैं उनके लिए किस तरीके की समस्याएं हैं, क्या उसके उपाय हैं, क्या उनके लक्षण हैं। और बात करें हम भारत की, हर साल करीब 2.5 करोड़ से ज़्यादा लोग जो है हार्ट प्रॉब्लम से प्रभावित रहते हैं और लाखों लोग की मौत इससे हो जाती है। डॉक्टर बत्रा जी हमारे साथ हैं जो हार्ट प्रॉब्लम्स को लेकर जानकारी देंगे और उनके उपाय बताएंगे। डॉक्टर साहब स्वागत है आपका। पहले तो नमस्कार जी डॉक्टर साहब, पहला सवाल आपसे हम करते हैं कि ऑल ओवर इंडिया और ऑल ओवर द वर्ल्ड हम बात करें हार्ट पेशेंट्स की, तो हर साल कितने पेशेंट आते हैं, क्या डेथ रेशियो रहता है और हार्ट की जो प्रॉब्लम्स है कितनी कैटेगरीज में हम उनको डिवाइड कर सकते हैं? हार्ट की जो बीमारियों की मात्रा है वो भारत में सर्वाधिक है पूरे दुनिया में। वेस्टर्न कंट्रीज़ के मुकाबले भारत की जो मात्रा है वो बहुत ज़्यादा है। उसका कारण ये है कि जेनेटिक जो हमारा भारतीयों का मेकअप है वो वेस्टर्न कंट्रीज़ अमेरिका यूरोप के देशों से थोड़ा विभिन्न है। प्रतिवर्ष 20 से 40 मिलियन जिसका अर्थ है 2 से 4 करोड़ मरीज जो हैं वो हार्ट की बीमारियों से ग्रस्त रहते हैं। इसमें से 25% के लगभग मृत्यु हो जाती है उन मरीजों की। हार्ट अटैक जो है, जो सबसे ज़्यादा खतरनाक और जिसका मृत्यु दर सबसे ज़्यादा है, उनके अंदर चार टाइप होती हैं। जो सबसे सीवियर वाला, सबसे खतरनाक वाला जो हार्ट अटैक होता है, जिसके अंदर बीपी चला जाता है, हार्ट की गति कमज़ोर हो जाती है, उसकी मॉर्टेलिटी या मृत्यु दर जो है वो 60 से 70% होता है। तो ये एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है। तो इसमें शुरुआती लक्षण की जो हार्ट अटैक आपने बताए हैं, शुरुआती लक्षण किसी को पता कैसे चले कि उसको हार्ट अटैक आने वाला है या हार्ट अटैक आ गया है? जो आम मान्यता है कि लेफ्ट साइड में छाती में दर्द होना, सांस फूलना, जबड़े में दर्द होना, लेफ्ट बाजू में दर्द होना, पीठ में दर्द होना, ये सब बहुत ही कॉमन लक्षण हैं। लेकिन जो विज्ञान कहता है, विज्ञान ये कहता है कि ऊपर माथे से लेके पेट की नाभि तक कहीं पर भी दर्द हो वो हार्ट का दर्द हो सकता है। इसके ऊपर बहुत विज्ञान रिसर्च कर चुका है और हमें ये बताया गया है कि किसी भी दर्द को इस एरिया में निगलेक्ट या नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। तो जिस तरीके से आपने बताया कि ये प्रॉब्लम तो किसी को किसी समय भी हो सकती है, सपोज दैट किसी को रात के समय किसी टाइम हार्ट अटैक के ऐसे लक्षण हो जाए, ऐसे अटैक आ जाए, तो उस समय सबसे पहले क्या करना चाहिए कि जो पेशेंट है उसको बचाया जा सके? सबसे पहला घरेलू उपाय जो कोई भी मरीज जिसको हार्ट का दर्द होने का संदेह लग रहा है उसको सबसे पहला काम है एक डिस्प्रिन की गोली पानी में घोल के एक गिलास के अंदर तुरंत ले लेनी चाहिए। अगर उसे ऐसा लग रहा है कि यह संभव है हार्ट का दर्द हो, ये संभव है, मुझे बीपी की तकलीफ़ है, मुझे शुगर की तकलीफ़ है, मेरे परिवार में हार्ट की बीमारियां पहले रह चुकी हैं, मैं पहले हार्ट का मरीज़ रह चुका हूं, और अचानक से रात को 2 बजे किसी मरीज़ को ऐसा होता है कि छाती में दर्द होता है, पसीना छूटता है, बाजू में दर्द जाता है, तो उसे तुरंत एक डिस्प्रिन की गोली पानी के गिलास में घोल के तुरंत ले लेनी चाहिए और सबसे निकटतम अस्पताल में जाके एक ECG करवानी चाहिए। जी डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहेंगे हम कि हार्ट की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, हार्ट अटैक आने के बाद तो पता लग ही जाता है जिस तरीके डॉक्टर ने बताया कि ये लक्षण है, उससे पहले ही हार्ट की प्रॉब्लम्स को इस तरीके से पकड़ने के लिए क्या टेस्ट आप सजेस्ट कर दें कि ये टेस्ट हमें करवाने चाहिए रूटीन में, जिससे हमें पता लगता रहे कि हम इस प्रॉब्लम से घिरने वाले हैं? हार्ट की बीमारी को डायग्नोज करने के लिए संसार में बहुत प्रकार के टेस्ट हो रहे हैं। सबसे पहला और सबसे साधारण टेस्ट वो होता है ECG, मगर कोई आवश्यक नहीं है कि हर मरीज़ में ECG पॉजिटिव आ जाए। बहुत सारे मरीज ऐसे होते हैं जिनको हार्ट अटैक हो रहा होता है मगर ECG नॉर्मल आती है। ECG पहला टेस्ट है। उसके पश्चात जो टेस्ट होता है वो है इको टेस्ट, जिसे कलर डॉपलर इको कहते हैं। उस कलर डॉपलर इको के अंदर भी बहुत प्रकार हैं। एक इको होता है जिसको हम डोब्यूटामिन स्ट्रेस इको कहते हैं, एक्सरसाइज इको कहते हैं, तो एक्सरसाइज इको, स्ट्रेस इको, ये भी एक टेस्ट है। फिर एक टेस्ट होता है TMT, जिसमें पट्टे के ऊपर पेशेंट को दौड़ाया जाता है, साथ में एक मशीन लगी होती है, ECG चाह रही होती है, उस ECG को देख के भी हम डायग्नोज करते हैं कि किसी पेशेंट को हार्ट की तकलीफ है या नहीं है।
और एक टेस्ट होता है जिसे स्ट्रेस थेलियम टेस्ट कहते हैं, और आखिर में एक टेस्ट होता है जिसको एंजियोग्राफी कहते हैं। मरीज के लक्षणों के हिसाब से, मरीज की आवश्यकता के हिसाब से देखकर हम फैसला करते हैं कि आपके मरीज को, हार्ट की बीमारी को डायग्नोज करने के लिए कौन से टेस्ट की आवश्यकता है। हर मरीज में एंजियोग्राफी करने की आवश्यकता नहीं होती, बहुत बार हम बिना एंजियोग्राफी किए भी आपको बता सकते हैं कि हाँ, कि आप हार्ट की मरीज से ग्रसित हैं या नहीं है। डॉक्टर साहब, आपने एंजियोग्राफी का जिक्र किया, अपने जो हमारे दर्शक हैं उनको बताना चाहें कि एंजियोग्राफी क्या होती है, या जैसे कि हम बोलते हैं हार्ट अटैक के बाद छलना डलना स्टंट डलना, वो क्या प्रक्रिया होती है, वो क्या चीज़ होती है? देखिए, जो हमारा हार्ट होता है, दिल के अंदर खून की तीन बड़ी नसें होती हैं, और एंजियोग्राफी एक जो टेस्ट है उसका काम होता है कि उन खून की नसों का एक्सरे, एक छोटा पाइप डाला जाता है हाथ में या फिर पैर में, जांघ में, उस पाइप के अंदर एक लंबा पाइप जो है हृदय के खून की नसों तक लेके जाया जाता है, और उस पाइप के अंदर हम एक कंट्रास्ट या एक तरह का रंग डालते हैं जो कि एक्सरे के अंदर मालूम पड़ता है। अब जहाँ पे वो खून की नस पिचकी हुई है या जहाँ पे वो ब्लॉकेज है, वो एक्सरे के अंदर पकड़ी जाती है। तो एक तरह के खून की नसों का एक्सरे है एंजियोग्राफी। तो डॉक्टर, जितने भी हार्ट के पेशेंट होते हैं या हार्ट अटैक से प्रभावित होते हैं, क्या हर पेशेंट के साथ ऐसा रहता है कि जो स्टंट हम डालते हैं या छलक डालते हैं वो हर किसी पे कारगर होता है और डालना जरूरी होता है? जब रुकावट हार्ट की नस के अंदर, अगर रुकावट 70% से ज़्यादा है, पहली बात, दूसरा उसी खून की नस के कारण उसको हार्ट का अटैक आ चुका है, तीसरा अगर उसका स्ट्रेस टेस्ट पॉजिटिव है। स्ट्रेस टेस्ट पॉजिटिव का अर्थ होता है कि अगर TMT पॉजिटिव है, या हमने दवाई वाली इको, जिसको स्ट्रेस इको बोलते हैं, वो किया, वो पॉजिटिव है, उसके अंदर पॉजिटिव आया, तब हमें छल्ला डलवाना चाहिए। छल्ला डलवाने के बाद सारी बीमारी खत्म हो गई ये बोलना उचित नहीं है। छल्ला डलवाने के बाद बीमारी, आप एक बीमारी को एक तरह से रोकथाम कर देते हो, लेकिन वो खत्म नहीं होती है। छल्ले की जो उम्र होती है, कोई भी छल्ला जिंदगी भर रहता है शरीर के अंदर, छल्ला रिमूव नहीं होता, लेकिन एक छल्ला 3 से 5% मरीजों के अंदर, मतलब 100 मरीजों में अगर छल्ले डले, तो 3 से 5 मरीजों के अंदर उसी साल छल्ले के अंदर दोबारा रुकावट आ सकती है, और ये रिस्क रुकावट होने का उन मरीजों में ज़्यादा है जो डायबिटिक होते हैं, जिनको शुगर की बीमारी होती है, जो छल्ला डालने के बाद भी जो हमें खाने पीने के अंदर बदलाव करने होते हैं वो नहीं करते, जो स्मोकिंग करते रहते हैं, उन लोगों के अंदर ये रुकावटें ज़्यादा जल्दी बनती हैं। लेकिन हमारे पास ऐसे मरीज भी हैं जो पिछले 15 साल से जिन्होंने छल्ला डलवाया था और कुछ नहीं हुआ, पेशेंट बिल्कुल सही है। एक बात मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा, एक बात ऐड करना चाहूँगा मैं, अक्सर समाज में एक बहुत बड़ा भ्रम है कि हार्ट अटैक हुआ या एंजियोग्राफी कराई तो छल्ला डलना ही डलना। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। डाटा ये कहता है कि 30-40% लोगों को ही स्टेंट की आवश्यकता होती है। किसी भी मरीज को जिसको हार्ट अटैक है, किसी भी मरीज को, और उसकी नसों में ब्लॉकेज निकलती है, तो 3 प्रकार के इलाज उसमें उपलब्ध हैं। नंबर 1 दवाई, नंबर 2 छल्ला, नंबर 3 बाईपास सर्जरी। संसार के अंदर 3 प्रकार के इलाज उपलब्ध हैं। उस 3 प्रकार के इलाजों में मरीज को कौन सा इलाज चाहिए, उस सारी बात का फैसला उसके लक्षणों पे और उसकी एंजियोग्राफी की रिपोर्ट पे निर्भर करता है। अगर ब्लॉकेज 70% से कम है, 70% से एक नस में ब्लॉकेज, और 70% से कम है, तो अक्सर छल्ला हम लोग नहीं डालते, पेशेंट्स को दवाइयों पे ही चलाते हैं, और सैकड़ों हजारों मरीज ऐसे हैं जो दवाइयों पे ही ठीक ठाक चलते रहते हैं। तो मैं इस भ्रम को दूर करना चाहता हूं कि एंजियोग्राफी कराएंगे तो छल्ला ही डल जाएगा। ये भ्रम है, ये गलत भ्रम है, लेमैन लैंग्वेज है, इस बात से हमें बचना चाहिए। आवश्यकता होगी तो आपको बताया जाएगा कि छल्ले की आवश्यकता है या बाईपास की आवश्यकता है, और यह भी संभव है कि आपका इलाज कई बार केवल एंजियोग्राफी के बावजूद भी दवाइयों पे ही चलता रहे। तो डॉक्टर साहब, मोदी सरकार बनने के बाद, बीजेपी सरकार बनने के बाद ये भी बात सामने आई कि सरकार ने जो स्टेंट के जो रेट थे वो काफ़ी कम कर दिए हैं, कि ताकि जो पेशेंट हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा मिल सके। साथ ही जैसा आपने बताया था कि
इलाज जो है लोगों का अभी कहना कि वो रेट कम हुए, हालांकि जो हार्ट पेशेंट उनका इलाज अब भी महंगा ही है, तो उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? ये एक बहुत बड़ा भ्रम फैल गया है कि छल्ले का रेट जो है वो सरकार ने कम किया है तो एंजियोप्लास्टी का रेट जो है वो बहुत ही कम हो जाना चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है, ये हम उसके लिए बहुत ही आभारी हैं सरकार के कि उन्होंने छल्ले का रेट जो है वो इतना कम कर दिया। लेकिन एंजियोप्लास्टी सिर्फ छल्ला नहीं होता है, एंजियोप्लास्टी के अंदर बहुत सब सामान इस्तेमाल होता है। वो सामान जो है वो एक छोटे पाइप से लेके एक तार, एक लंबा पाइप, एक गुब्बारा, कॉन्ट्रास्ट मशीन, ये सब इस्तेमाल होती है। और ये गुब्बारे जो हैं ये अपने आप में बहुत कॉस्टली चीज़ें होती हैं। एक गुब्बारा जो हम इस्तेमाल करते हैं मरीज के अंदर एंजियोप्लास्टी के लिए, उसकी कीमत लगभग 20,000 रुपये होती है। और एक मरीज के अंदर कई बार एक से कई ज़्यादा गुब्बारे इस्तेमाल हो जाते हैं, किसी में एक होते हैं, किसी में चार भी होते हैं हमारे। तो छल्ला तो सिर्फ एक पार्ट है एंजियोप्लास्टी का, उससे अलावा बहुत कुछ खर्चा है। पहले जो एंजियोप्लास्टी होती थी उसमें खर्चा होता था 2 लाख, 1,80,000, 1,90,000, 2.5 लाख तक भी, दिल्ली में तो 3-3 लाख तक का भी खर्चा होता था बड़े अस्पतालों में। लेकिन अभी वो कम इसलिए हो गया क्योंकि छल्ले का रेट 1.5 लाख से कम होकर 25,000-30,000 आ गया। लेकिन बाकी सब चीजों का रेट कम नहीं हुआ है, वो अभी भी महंगे ही हैं। तो इसलिए जब अस्पताल को कोई चीज महंगी खरीदनी पड़ रही है तो वो उसे उससे कम में कैसे दे सकता है? इस बारे में मैं एक बात ऐड करना चाहूंगा, यदि हमने वास्तव में मरीजों की एंजियोप्लास्टी का रेट कम करना है तो सरकार से हम प्रार्थना करेंगे कि एंजियोप्लास्टी में यूज़ होने वाला जो बाकी सामान है उसके रेट भी कम किए जाएं, तब वो लाभ पेशेंट को जरूर मिलेगा। अभी भी लाभ मिला है, अभी भी अगर मैं आपको फिगर बताऊं तो मैं ये कहूंगा कि कम से कम 50,000 से लेकर 1 लाख के बीच में जो प्लास्टिक पहले होती थी उसका रेट कम हो गया है, सस्ती हो गई है। इससे भी सस्ती करनी है तो एंजियोप्लास्टी में यूज होने वाला बाकी का जो सामान है, दवाइयां हैं, गुब्बारे हैं, तारे हैं, मशीनें हैं, एंजियोग्राफी करने के लिए या प्लास्टिक करने के लिए बहुत बड़ी मशीन चाहिए जिसको कैथ लैब कहते हैं, उस कैथ लैब की कॉस्ट तो अभी भी बहुत है, वो तो सस्ती नहीं है। उन चीज़ों की दाम अगर सरकार सस्ता करेगी तो ये लाभ गरीब मरीज तक और भी पहुँचेगा और हम उसके लिए तैयार हैं, वो सहायता करने के लिए, गरीब मरीज की सहायता करने के लिए हम निश्चित रूप से तैयार हैं और हम आगे भी करते रहेंगे। मतलब भारत में हर साल करोड़ों लोग जो है इससे प्रभावित हो रहे हैं और लाखों लोगों की मौत हो रही है, तो इसके पीछे मेन कारण क्या रहते हैं? जिस तरीके से हार्ट प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं उनके पीछे मेन कारण आपको क्या नज़र आता है कि ये वो रीज़न है जिसकी वजह से हार्ट की प्रॉब्लम्स लगातार बढ़ रही हैं? सबसे बड़ा कारण जो आज के टाइम पे हार्ट की बीमारियों का है वो है हमारा खानपान, हमारा तनावपूर्ण जीवन और हमारा लैक ऑफ फिज़िकल एक्टिविटी। लैक ऑफ फिज़िकल एक्टिविटी का अर्थ है कि आज कोई चलना नहीं चाहता है, आज हर आदमी चाहता है कि एक जगह से दूसरी जगह जाना हो तो गाड़ी में बैठ के जाए, चलना फिरने का ट्रेंड बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। बाहर का खाना जो भी होता है, आप चाहे किसी भी बाहर के अच्छे से अच्छे होटल में भी खा लो, लेकिन बाहर के खाने के अंदर अमाउंट ऑफ ट्रांस फैट जिसको बोलते हैं वो बहुत ज़्यादा होता है। ट्रांस फैट जो वो तेल का फैट होता है जो कि हार्ट के अंदर चर्बी बनाने का बहुत बड़ा योगदान है उसका। तीसरा हमारा तनावपूर्ण जीवन, हर प्रकार का तनाव आज के टाइम पे जीवन में इंसान ले रहा है, हर चीज़ चाहिए, बहुत जल्दी चाहिए, पेशेंस नहीं है, वो तनाव के अंदर बहुत बीमारियां बढ़ रही हैं। और हमने ये देखा है कि इस तनाव और इस जीवन शैली के कारण 25, 26, 27 साल के उम्र के लोग भी हार्ट अटैक के साथ हमारे पास आ रहे हैं। डॉक्टर क्या सलाह देना चाहेंगे, क्या उपाय? एक बात मैं और इसमें ऐड करना चाहूँगा, हार्ट अटैक के अंदर एक कारण जेनेटिक्स भी है, परिवारों में हार्ट अटैक चलता है, जैसे शुगर जेनेटिक है परिवारों में चलती है, हाई ब्लड प्रेशर, दमा, वैसे ही हार्ट अटैक भी जेनेटिक भी है, उस जेनेटिक के कारण परिवार से हार्ट अटैक आ रहा है। और एक बहुत मेजर कारण जो आज के समय में है वो है स्मोकिंग, वो स्मोकिंग बीड़ी सिगरेट हुक्का तंबाकू खाना, लोग सोचते हैं कि तंबाकू खाना जो है उससे नहीं होता, नहीं, बीड़ी पीने से, सिगरेट पीने से, तंबाकू खाने से भी हार्ट अटैक होता है, लेकिन सबका इफेक्ट जो है बराबर होता है। और जैसे बताया गया
जिन लोगों को शुगर ज़्यादा रहती है, जो डायबिटिक हैं, जिनको ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है, उन लोगों में भी हार्ट अटैक की परसेंटेज ज़्यादा होती है। जिनके खून में चर्बी ज़्यादा है, जिसे हम कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, उन लोगों में भी हार्ट अटैक की परसेंटेज ज़्यादा होती है। तो ये बहुत सारे कारण हैं, और मैं इतने साल के अपने अनुभव के बाद ये बता सकता हूँ कि बहुत बार हम जाँच करते हैं लोगों की, कोई कारण ही नहीं मिलता, कोई कारण नहीं। उसके परिवार में दिक्कत नहीं है, स्मोकिंग भी नहीं करता, वो शराब भी नहीं पीता, कोलेस्ट्रॉल भी ठीक है, हर चीज़, सब कुछ हम जो जीवन में पाते हैं, कुछ ना कुछ हमारा भाग्य भी हमारा पार्ट प्ले करता है। हमारा भाग्य खराब है तो तब भी हम बिना किसी कारण के भी बीमारी के शिकार हो सकते हैं। सजेस्ट क्या करना चाहेंगे? क्या एक बात मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा कि एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है दुनिया में कि लोग बोलते हैं कि पहले तो मैं बीड़ी का एक बंडल पीता था, अब मैं दो कर दिए तो मुझे हार्ट की तकलीफ नहीं होगी। जो विज्ञान है, जो रिसर्च है, वो ये कहती है कि नंबर ऑफ बीड़ी या नंबर ऑफ सिगरेट कम करने से जो उसका रिस्क है वो कम नहीं होता है। या तो आप पी रहे हैं या आप नहीं पी रहे। मैं पहले 20 पीता था, अब मैं 2 पीता हूँ, अब मेरा रिस्क कम हो गया, ऐसा नहीं होता। आपको पूरी तरीके से बंद करनी पड़ेगी बीड़ी के लाभ, बंद करने के लाभ के लिए। कम करने का कोई लाभ नहीं है। पीनी है तो पूरी पियो, नहीं पीनी तो बिल्कुल ना पियो। डॉक्टर साहब, इसमें क्या आप उपाय क्या बताते हैं, क्या सजेस्ट करते हैं कि ऐसी प्रॉब्लम जो हार्ट प्रॉब्लम्स हैं उनसे बचने के लिए क्या सावधानियां रखनी चाहिए? सबसे पहला काम जो मुझे लगता है कि अगर हम चाहते हैं कि हमें हार्ट अटैक नहीं हो, सबसे पहला अगर हम स्मोकिंग करते हैं तो हमें टोटल बंद कर देनी चाहिए। हार्ट अटैक को रोकने के एक्चुअली 2 प्रकार के रीजन होते हैं। एक है जिसे हम कहते हैं रिवर्सिबल, एक कहता है इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल का अर्थ होता है कि वो कारण जिनको हम ठीक कर सकते हैं, इरिवर्सिबल वो होते हैं जिनको हम ठीक नहीं कर सकते, हमारा वश नहीं है। जैसे जेनेटिक है तो हमारा वश नहीं है, हमारे जीन्स में हार्ट अटैक है तो हम उसे नहीं बदल पाएंगे। नंबर 2, उम्र के साथ हार्ट अटैक बढ़ता है, एज हमारी बढ़ रही है तो हार्ट अटैक ने आने की संभावना ज़्यादा रहती है। नंबर 3, मेल अगर है तो एज कम्पेयर टू फीमेल ज़्यादा हार्ट अटैक के चांसेस रहते हैं। कुछ चीज़ें इरिवर्सिबल हैं, जो रिवर्सिबल हैं, जो हम रोक सकते हैं, वास्तव में हमें उन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जैसे सबसे पहला है, स्मोकिंग बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। नंबर 2, हमें अपना रेगुलर कोलेस्ट्रॉल चेक कराना चाहिए, फैट की मात्रा अपनी कम से कम रखनी चाहिए। नंबर 3, अगर हमें डायबिटीज़ है तो उसको कंट्रोल में रखना चाहिए। नंबर 4, अगर हमें शुगर है तो हमें उसको, ब्लड प्रेशर हाई रहता है तो उसको कंट्रोल में रखना चाहिए। नंबर 5, हमें रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए, चाहे हम सैर करें, चाहे हम खेल खेलें, चाहे हम कबड्डी खेलें, फुटबॉल खेलें, टेनिस खेलें, कुछ भी खेलें, कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी हमें करनी चाहिए। लोग मुझे कहते हैं कि हमारे घर के आसपास पार्क नहीं है। आपके घर के आसपास पार्क नहीं है तो छत के ऊपर 45 मिनट तक, आधे घंटे तक चक्कर लगा लीजिए, वो भी अपने आप में एक फिजिकल एक्टिविटी है। ये हम अगर आप करेंगे, और नंबर 5, जो मेरे अनुभव के हिसाब से मैं मानता हूँ, हम सब लोग मटेरियलिस्टिक हो गए, हम भूल गए हैं कि भक्ति नाम की भी कोई चीज़ होती है, हम भूल गए हैं कि भगवान नाम की भी चीज़ होती है। हम सब लोग अपने शरीर की तरफ ध्यान देते हैं, अपने मन को शांत रखना बहुत बहुत आवश्यक है। मेडिटेशन करना, ईश्वर का नाम लेना, ईश्वर को याद करना, और कई बार मैं ऐसा मानता हूँ अपने जीवन में, अंग्रेजी में हम कहते हैं द कॉज ऑफ एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन इज डिफरेंस बिटवीन एक्सपेक्टेशन एंड रियलाइजेशन, कि हम एक्सपेक्ट ज़्यादा करने लगे हैं, मिलता हमें कम है। हम सोचते हैं कि हमें सारा कुछ मिल जाए और बहुत जल्दी मिल जाए, ये हमारी एक्सपेक्टेशन है। कुदरत ने ऐसे नहीं करना, रियलाइजेशन कम होती है तो फिर हमें डिप्रेशन हो जाती है, हमें ये क्यों नहीं मिला, वो क्यों नहीं मिला, मेरा फलाना दोस्त, मेरा फलाना रिश्तेदार फालतू आगे चला गया, मैं ऐसा क्यों। ये जो डिफरेंस है बिटवीन एक्सपेक्टेशन एंड रियलाइजेशन, वो हमारे लिए तनाव का कारण बनता है। हम उसे छोड़ दें, रेगुलर भगवान का नाम लें, भक्ति करें, मेडिटेशन करें। अगर हम ये सब लोग ये सब काम करेंगे तो निश्चित रूप से हार्ट अटैक की परसेंटेज में कमी आएगी। अमेरिका में और बाकी वेस्टर्न कंट्रीज में ये सब हार्ट अटैक की परसेंटेज कम हुई है, डेफिनेटली कम हुई है, वेस्टर्न कंट्रीज में कम हुई है, और भारतवर्ष में बढ़ गई है। 34% ज़्यादा हार्ट अटैक होते हैं इंडिया में एज कम्पेयर टू वेस्टर्न कंट्रीज। उसका कारण क्या है? उसका कारण केवल एक ही है कि इन चीज़ों की तरफ हम ध्यान नहीं देते। अगर हम इन चीज़ों की तरफ ध्यान देंगे तो निश्चित तौर से हम ये मानेंगे कि हार्ट अटैक की संख्या में कमी आ सकती है, आनी चाहिए, और एज ए हॉस्पिटल हमारी तरफ से जो सोशल प्रयास होना चाहिए उसमें
हम अपनी आहुति डालने के लिए हमेशा तैयार हैं और आगे भी हम तैयार रहेंगे। जी सब, आप खुद का अस्पताल भी हॉस्पिटल यहाँ पे चला रहे हैं, तो हार्ट पेशेंट्स के लिए किस तरीके की फैसिलिटीज यहाँ पर रखी गई हैं और क्या इस तरीके से समय समय पर कोई जागरूकता अभियान भी आपकी तरफ से चलाया जाता है, क्योंकि लोगों को सही जानकारी ना होने के बावजूद कारण रहता है कि सही जानकारी नहीं है, इसलिए भी कई बार वो इन चीज़ों का शिकार हो जाता है, तो आपकी तरफ से क्या पहल की गई है या ऐसा कुछ प्रोग्राम आपकी तरफ से रखा गया रखा जाएगा भविष्य में? देखिए, जहाँ तक सुविधाओं की बात है, एक हार्ट के मरीज को जिस भी प्रकार की सुविधा और टेक्नोलॉजी विश्व में किसी भी सेंटर में होनी चाहिए वो हमारे पास उपलब्ध है, चाहे वो एंजियोग्राफी हो, चाहे एंजियोप्लास्टी हो, चाहे अभी थोड़े दिनों पहले हमने पूरे हरियाणा में सोनीपत में नहीं, पूरे हरियाणा में एक टेस्ट किया जिसको बोलते हैं आईवस। आईवस का अर्थ है इंट्रावेस्कुलर अल्ट्रासाउंड। वो टेस्ट दिल्ली को छोड़ के और गुड़गांव, दिल्ली एनसीआर में गुड़गांव और इसको छोड़ के कहीं नहीं होता पूरे हरियाणा में। वो एक तार के ऊपर कैमरा, वो एंजियोग्राफी से भी दो कदम आगे है, तार के ऊपर एक कैमरा लगा होता है जो कि हार्ट के अंदर जाता है और फोटोज लेके बाहर आता है और हमें पता चलता है कि वो खून की नस कैसी है, कितनी ब्लॉकेज है। तो इस उच्चतम स्तर की टेक्नोलॉजी जो है वो हमारे पास उपलब्ध है, पहली बात। दूसरी बात, जहां तक जागरूकता की बात है, हमारे पिछले हम हार्ट का अस्पताल जो है वो पिछले 30 साल से चला रहे हैं, पहले छोटा अस्पताल था, बड़ा अस्पताल है, लेकिन इन 30 सालों में प्रति वर्ष हमारे 3 से 4 निशुल्क कैंप लगाए जाते हैं, जिसके अंदर निशुल्क मशवरा मरीज को, जो हार्ट के मरीज हैं जिनको किसी भी तरह की तकलीफ है वो दिया जाता है। जो हमारा लेटेस्ट कैंप लगा था वो आज से 1-1.5 महीने पहले चिंतपूर्णी मंदिर में लगाया गया था, जिसके अंदर लगभग 250 लोगों ने आके मुफ्त में अपनी जांच करवाई, उनकी निशुल्क ईसीजी की गई, उनको निशुल्क दवाइयां दी गई, उनका निशुल्क शुगर की जांच की गई। जो बच्चों के हार्ट के डॉक्टर थे उनको भी बुलाया हुआ था, वो भी वहीं पर उपलब्ध थे। जो हार्ट के सर्जन थे वो भी वहाँ पे उस दिन उपलब्ध थे। तो इस तरह के कैंप और इस तरह की सामाजिक कार्यक्रम हम करते रहते हैं। एक बात मैं और इसमें ऐड कर दूँ कि हार्ट के इलाज के लिए बहुत आवश्यक चीज़ है हार्ट के सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर जिन्होंने DM की डिग्री प्राप्त कर रखी है, उनका उपलब्ध होना, जिनको कि वास्तव में कार्डियोलॉजिस्ट कहा जाता है। इस क्षेत्र में हॉस्पिटल कॉम्प्लेक्स के अंदर, अस्पताल के अंदर ही फिजिशियन, कार्डियोलॉजिस्ट, DM जिसने कर रखी है, क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट, 24 घंटे चलने वाली कैथ लैब, 24 घंटे एंजियोग्राफी, छल्ले डालने की सुविधा यहाँ पर इस क्षेत्र में उपलब्ध है, और वो कभी भी दिन में रात में भी किसी भी मरीज को हार्ट की तकलीफ होती है तो ये सुविधाएँ, स्पेशली कार्डियोलॉजिस्ट की सुविधा जो बाकी बहुत सारे क्षेत्र में उपलब्ध नहीं होती है, वो इस हॉस्पिटल में, इस क्षेत्र में उपलब्ध है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, जिससे पेशेंट की जान बचाने में सहायता होती है। डॉक्टर साहब, बहुत खुल के बात की आप दोनों ने हार्ट पेशेंट्स को लेकर, फिर भी कोई अगर ऐसी बात रह गई है जो हार्ट पेशेंट्स के लिए लाभकारी हो और आप साझा करना चाहते हो हमारे साथ? मैं इतना ही कहूँगा कि अपने शरीर को स्वस्थ रखना है। हार्ट जो है हमारी गाड़ी का इंजन है, जैसे गाड़ी जो होती है इंजन से चलती है, हमारा शरीर भी हमारे हार्ट से चलता है, हमारा हार्ट हमारा इंजन है। हम अपनी भाषा में कहते हैं जितना जल्दी हार्ट अटैक का ट्रीटमेंट हो जितना जल्दी, हम उसे कहते हैं टाइम इज मसल, टाइम इज मसल। टाइम इज मसल का क्या अर्थ है? हमारा जो हार्ट है वो मसल है, एक मांस का टुकड़ा है। जितना जल्दी हम उसको ठीक रखेंगे अटैक होने के बाद, वो हम मसल को प्रिजर्व करेंगे, उतना ही बचने की संभावना ज्यादा होगी। टाइम इज मसल, मसल इज लाइफ, हार्ट इज आवर लाइफ। अपनी गाड़ी के इंजन को स्वस्थ रखिए, रेगुलर उसकी जांच कराइए। मैं कभी कभी हैरान होता हूँ, हम अपनी गाड़ी की, स्कूटर की सर्विस कराते हैं, 5,000 किलोमीटर पे कराते हैं, रेगुलर कराते हैं, उसमें तेल डलवाते हैं, सब कुछ कराते हैं, और गाड़ी भगवान ने इतनी बेशकीमती, जिसकी कीमत ही नहीं है, उस गाड़ी के इंजन की हम देखभाल ही नहीं करते, कभी हम परवाह ही नहीं करते।
हम सोचते हैं दूसरों को तो हार्ट अटैक हो सकता है, मुझे नहीं होगा हार्ट अटैक, ऐसा तो गलत सोच है, मुझे भी हार्ट अटैक हो सकता है। इसलिए अपनी इस गाड़ी की और अपने इस गाड़ी के इंजन की रेगुलर उचित डॉक्टर के पास जाके सर्विस कराइए, जांच कराइए। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अटैक होने के बाद तो कोई रास्ता नहीं है, आपको इलाज कराना ही पड़ेगा। मैं ये कामना करूंगा, ये शुभकामनाएं दूंगा आपको, ये विश करूंगा कि आपको हार्ट अटैक ना हो, मगर ना हो उसके लिए अपनी गाड़ी की, अपने इंजन की रेगुलर सर्विसेज कराइए ताकि आप हार्ट अटैक से बच सकें। ये मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ होंगी। ये थे डॉक्टर रमेश और डॉक्टर अंकुर, जिन्होंने बहुत खुल के जो हार्ट प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में बातचीत की हैं, उनके समाधान बताए हैं। और लगातार इसी तरीके के जो कार्यक्रम है आपके स्वास्थ्य के लाभ के लिए, आपके स्वास्थ्य को बेहतर रखने के लिए, आपकी ज़िंदगी को सुगम बनाने के लिए हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। और जिस तरीके की बातें डॉक्टर्स ने बताई हैं उनको फॉलो करिए, हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए सोनीपत 24।